हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जानेंगे इस वीडियो में क्या है लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि अभी तक आप सभी को मालूम कि बिहार के पूरे 38 जिलों में आपातकालीन स्थिति में बहाली हो रही है, विभिन्न पोस्ट में, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, ANM हो, GNM हो, वार्ड बॉय हो, अटेंडेंट हो, डाटा ऑपरेटर, विभिन्न सारे पोस्ट और जिनकी जो योग्यताएं हैं उस हिसाब से जॉब्स को ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार में भाग ले रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करा रहे हैं और आफ्टर दिस जॉब ले रहे हैं इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। तो बहुत अच्छी खुशखबरी कि उसमें आप सभी भी छात्र छात्राएं जॉब ले रहे हैं जो योग्यताएं हैं उस आधार पे। डाटा ऑपरेटर पे ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। विभिन्न जिलों की बात करें तो विभिन्न जिलों का अपडेट आया पूर्व के दिनों में, हमने दिया, चाहे वो बक्सर का हो, मधुबनी का हो, ईस्ट चंपारण मोतिहारी का हो, सीतामढ़ी का हो, नालंदा का हो, भोजपुर का हो, दरभंगा का हो, लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसकी अपडेट आई दी गई। बहुत सारे ज़िलों में इंटरव्यू हो चुका है, कहीं ज्वाइनिंग हो चुका है, कहीं प्रक्रियाएं चल रही है, कहीं प्रक्रियाएं बाकी है, कहीं रिक्वायरमेंट आना बाकी है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है उस डिस्ट्रिक्ट में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि होल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये वाली करनी है और जहाँ जैसे आवश्यकताएं होंगी वहाँ पर की जाएगी। ज़रूरी नहीं कि सभी जगह आए और सभी पोस्ट आए, कहीं पर भी कुछ पोस्ट कम या अधिक आ सकते हैं, अधिक जो भी वहाँ की आवश्यकताएं हैं उस की वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि हर जगह डाटा ऑपरेटर या डॉक्टर की पोस्ट हो, हर जगह वार्ड बॉय की पोस्ट हो, GNM की पोस्ट हो, जहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से पोस्ट निकलेगी। जैसा है ऑफिशियल साइट को चेक करते रहेंगे तो अपडेट आते रहेगी। इसके साथ ही जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर भी पढ़ते रहें, डेली अपडेट आती रहती है एजुकेशनल चैनल के माध्यम से भी। तो सबसे पहले बात करें तो लेटेस्ट में इधर कटिहार में जो है 2 जून से स्टार्ट है, 2 को है, फिर 3 को है, 4 को है, 5 को है, इस तरह कटिहार डिस्ट्रिक्ट में टाइपिंग हो रही है और उसका निकाल दिया गया है लिस्ट बहुत सारे कैंडिडेट का। प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, डेली जो है 124-125 लोगों का निकाला गया था, 124 जो कि डेली जो 10 मई को इंटरव्यू में भाग लिए थे उनका टाइपिंग हो रहा है और आफ्टर दिस सिलेक्शन होगा, लिस्ट निकलेगी जितनी सीटें हैं। इधर सीतामढ़ी में 100 सीटें हैं उसकी अपडेट आ रही है, और नालंदा में 25 सीटें हैं जिसकी 4 जून को है, तो 4 जून को आप अटेंड करेंगे वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स का जो इसकी अपडेट आ रही है सीतामढ़ी की। चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुद्धि पत्र हिंदुस्तान सीतामढ़ी, 3 जून को लेटेस्ट PDF है ये, और पेपर में आज के हिंदुस्तान जो है पेपर में दिया हुआ है सीतामढ़ी के ई पेपर में देखेंगे आप, या अगर सीतामढ़ी के हैं तो आप वहाँ से भी इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी आवश्यक सूचना सुद्धि पत्र निकाला गया है। जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के आदेश में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन हायर बेसिस पर आगामी 26 जुलाई तक के लिए प्रस्तावित विज्ञापन संख्या में वॉक इन इंटरव्यू 31 मई से 5 जून तक निर्धारित है। प्रकाशित विज्ञापन में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है, संशोधन किया गया है जैसे ये देख सकते हैं GNM है, ANM है, तो इनकी साक्षात्कार 4 जून को है, ANM की 7 जून को है, GNM की 4 जून को है, ये सब तो है। प्रयोगशाला अभिधि का 2 जून का था, वार्ड बॉय का भी 4 जून का,
डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेटेस्ट अपडेट है, देख सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर टाइपिंग की बाधता एवं अनियमितता को देखते हुए एक ही कंप्यूटर पर कई अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाना है लेने के कारण कोरोना संक्रमण की जैव संभावना है। इस कारण से प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर होने वाले दिनांक 5 जून के साक्षात्कार कार्यक्रम को निरस्त किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। तो बहुत बड़ी अपडेट सीतामढ़ी से, वहाँ को निरस्त किया गया है अगले आदेश तक। जो भी आगे की कार्रवाई होगी बाद में आपको मिलेगी। तो ये पेपर में देख सकते हैं निकाला गया है। और सीतामढ़ी से सैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी, तो एक अच्छी अपडेट की पहले अपडेट हो गए, नहीं तो बाद में बहुत सारी परेशानियाँ होती आप वहाँ पे जाकर, और नहीं होता। तो इसके लिए हमने ऑफिशियल साइट को विजिट किया सीतामढ़ी के, और ये ऑफिशियल साइट है सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी के ऑफिशियल साइट पर ऐसी कोई सूचनाएं नहीं हैं, लेकिन इस साइट को भी हम नहीं मानते हैं। जब ऑफिशियल साइट है ये, यहाँ पर कोई अपडेट ही नहीं दिया जा रहा है। पूर्व के जो भी वैकेंसी आई यहाँ पर अपडेट नहीं दी, तो इस साइट से कुछ लेना देना नहीं है। ऑफिशियल ही है तो क्या है, जो आपको पेपर आउट किया गया है वो ट्रुथफुलनेस न्यूज है, क्योंकि पूर्व में जो भी न्यूज आया वो वहीं पर आया, और जो डिपार्टमेंटल था उनके द्वारा ऑफिशियल यहाँ पर नहीं जारी किया गया, और वर्तमान में फिर से पेपर ही आउट। तो इसीलिए कहते हैं कि रीड लोकल न्यूज़पेपर। जो भी लोग हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, सबसे पहले तो रीड लोकल न्यूज़पेपर, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी लोकल न्यूज़पेपर्स है उसको रीड करें। होल इंडिया कहीं से भी हो अपने डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहे, तमाम सारे एजुकेशनल चैनल्स से उनसे विजिट करते रहे, डिपार्टमेंटल लोगों संपर्क में जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी ट्रबल होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ए लॉट ऑफ जो है एजुकेशनल जो है आपके हेल्पिंग के लिए कार्य करते हैं। तो ये सारी अपडेट थी जो कि आपको देनी थी। अवगत हो गए होंगे सीतामढ़ी से, नालंदा की कोई अपडेट नहीं है, नालंदा के में भी हो सकता है 4 जून को, और आज 3 जून है, और जैसा कि 8 जून तक आपको लॉकडाउन है, तो कहीं आने जाने में आपको ट्रबल हो रही है, तो उसके लिए आप जो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप दिखाएंगे कि हम इस ज़िले के हैं और इस ज़िले में इस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, टाइपिंग देने के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी राहत है छात्रों के हित में नीतीश सरकार के द्वारा। इसके साथ ही आगामी 30,000 वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी अपडेट। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उनके द्वारा अपडेट आई कि 30,000 वैकेंसी आने वाली है। 2,400 से 2,500 लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, पुस्तकालय अध्यक्ष 2,400 प्रस्त विभिन्न डिस्ट्रिक्ट का निकाला गया प्रस्तावित है। तो जो 30,000 वैकेंसियाँ हैं स्वास्थ्य विभाग में वो तो चल रही हैं, आने वाली हैं, चल रही हैं। तो देखिए वैकेंसियाँ जो हो रही है ऐसा नहीं है कि आप 3 मंथ 2 मंथ है तो जॉब्स नहीं करें, जब मे भी एक्सटेंड हो सकता है, आज 3 मंथ है कभी 6 मंथ हो सकता है, 9 मंथ होता है, 11 मंथ, एज ए रिक्वायरमेंट जैसे जहाँ आवश्यकताएँ पड़ती हैं एक्सटेंड होते जो भी है अपना कार्य करेगा। पहले आप जॉब्स लें, इसकी टेंशन नहीं लें। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है कार्यपालक सहायक लोकर, और अररिया डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि जितने भी वहाँ के कार्यपालक सहायक
कि पुनर्नियोजन की बात को लेकर लेटर निकाला गया है बीपीएससी के द्वारा कि अब जो नई प्रक्रिया के तहत बहाली होगी वेल ट्रांस होगी, तो उसके लेटर के संदर्भ में अररिया के डिस्ट्रिक्ट को निकाला गया डीएम को कि आप उसके ज्ञापन को समझे और जैसा है वहाँ पर उस हिसाब से करें, उनका पालन करें, बिल्टन को अध्याचना करें, यही सारी बातें हैं। तो वहाँ से तो कुछ अपडेट नहीं, लेकिन पूर्णिया से एक अपडेट है, देख सकते हैं ये पूर्णिया से कार्यपालक सहायकों के लिए अपडेट आ रही है, जिला पदाधिकारी पूर्णिया, और ये देख सकते हैं विभिन्न सारे ये डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, सभी में सेवा में भेजा गया है, चाहे उप विकास आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, विभिन्न सारे जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हैं उसमें कि कितने सीटें खाली हैं, कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी उपलब्ध कराई है। 1 जून को लेटेस्ट अपडेट है कि कितने कार्यपालक सहायक के रिक्त पद हैं आप उपलब्ध कराएं। उपयुक्त विषय में देख सकते हैं बीपीएसएम की इस बैठक में 6 पर संसदीय पदों, बिहार प्रशासनिक कार्यपालक सहायक के जिला अंतर्गत पैनल से अन्य कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त किए जाने की स्थिति में अन्य विभाग में रिक्त पदों पर नए सिरे से संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने के निमित्त आपके अधीनस्थ कार्यालय स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यपालक सहायक को आरक्षण कोटिवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो उत्तर अप्राप्त है, मतलब अभी तक अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है। इसलिए जितने भी विभाग हैं उसमें कितने कार्यपालक सहायक के पद हैं और कोटिवार और जिले के पैनल में कितने जो है लिस्ट वगैरह है, वही सारी उपलब्ध कराने कहा गया है। आपके अधीनस्थ कार्यालय विभागों में स्वीकृत पद के विरुद्ध यदि कार्यपालक सहायक का पद रिक्त हो तो पद पर नियोजन हेतु आरक्षण कोटिवार प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराई जाए, डाटा वगैरह सारी उपलब्ध कराने के कहा जा रहा है और लिस्ट वगैरह। तो एक अच्छी खुशखबरी जिला पदाधिकारी पूर्णिया को प्रेषित किया गया है, और देख सकते हैं सेवा में सभी विभाग को, तो एक अच्छी खुशखबरी कार्यपालक सहायक के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए कि मैं भी यदि वहाँ पे रिक्त सीटें हैं तो आरक्षण वार कोटिवार जो पैनल होंगे वहाँ के, तो उससे ज्वाइनिंग की संभावना प्रबल बनती है। इसके साथ ही अब तक जो अपडेट यही सारे बने हुए हैं। बात करें दरभंगा के, तो दरभंगा में वहाँ पे वेल ट्रांस से बहाली हुई है उर्मिला के थ्रू विभिन्न सारे स्वास्थ्य विभाग में, और बेतिया में जो कार्यपालक सहायक से पंचायत स्तर पे 50 कार्यपालक सहायकों की जॉब ली गई है स्वास्थ्य विभाग में, विभिन्न स्वास्थ्य विभाग में, तो यहाँ पर भी आने की प्रबल संभावना हो सकती है अगर पंचायत में वो चले जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में। तो विभिन्न सारे जिले में अभी आना बाकी है, अपडेट बनाए रखें, रेगुलर अपडेट रहें, क्योंकि बहुत कम समय की वैकेंसी आ रही है, बहुत कम समय में ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रिया हो जा रही है, किसी को मालूम चल रहा है किसी को नहीं, और जो इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं उनका डाटाबेस तैयार करके टाइपिंग ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रह जाए और आपके जिला का चला जाए, तो अपडेट बनाए रखें डेली रेगुलरली विभिन्न साइट ऑफिशियल माध्यम से, हमसे चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, विभिन्न सारे एजुकेशनल चैनल के माध्यम से, रिट लोकल न्यूज़ के माध्यम से, अपने डिपार्टमेंटल लोगों से, तमाम सारे जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ से, रिक्वायरमेंट सेक्शन से, जिससे कि आपकी अपडेट मिलती रहेगी। एक प्रोग्राम चालू किया गया है मोतिहारी में जो कि विभिन्न स्वास्थ्य विभाग में आने वाली रिक्तियों में काम करेगा एज ए प्रायोरिटी प्राथमिकता के आधार पे, और एक प्रोक्स 1.5 गुने 42-47 लोगों की ट्रेनिंग होगी, 2814 1.5 गुने अभ्यर्थियों की दिया गया था, और उनको
आपको विभिन्न जो है रिक्वायरमेंट आएगी आने वाले वैकेंसियों में प्राथमिकता के आधार पर जॉब दिया जा सकता है, तो आप उस ट्रेनिंग को ज़रूर करें। अन्य ज़िलों में भी प्रबल संभावना बनती है कौशल विकास के माध्यम से। 1 महीने का प्रोग्राम पता करेंगे अपने अपने ज़िले के कौशल विकास से और DRCC में, वहाँ से ज़िला नियोजन। तो अब तक के सारे यही अपडेट बने हुए हैं विभिन्न सारे, चाहे वो डाटा ऑपरेटर से हो, बेल्टान से हो, करपलक सहायक से। ओपन वैकेंसी हर जगह निकल रही है, ओनली मोतिहारी में करपलक सहायक के पैनल से लिया गया और अन्य जगह ओपन वैकेंसी। बेल्टान के भी कहीं कहीं डिपार्टमेंट में ऑफर आ रहा है। आप बेल्टान के जो अभ्यर्थी हैं आप अपने चेक करते रहे, ऑफर जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है उसके ज़रिए ऑफर एक्सेप्ट करेंगे जो भी ऑफर आ रहा है। यदि ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो डिले हो सकता है आपके ज्वाइनिंग में, वह ऑफर किसी अदर कैंडिडेट को कर दिया जाएगा। यदि आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑफर ज़रूर एक्सेप्ट करें। इसके साथ ही जो कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थी हैं वो अपडेट बनाए रखें अपने अपने जिलों में, और निश्चित ही उनके लिए भी 1600 पद आने वाली हैं। अपडेट दिया गई था 1600 कार्यपालक सहायक की वैकेंसी आने वाली है आने वाले दिनों में विभिन्न जिलों में। तो मैं भी पैनल को प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो एक अच्छी खुशखबरी कि आने वाले दिनों और समय में 1600 वैकेंसियाँ होंगी, तो एक प्रबल संभावना बनती है, चांस बनती है अभी भी आप सभी के। तो इतने सारे अपडेट बने हुए हैं विभिन्न जिलों में विभिन्न सारे। इसके साथ ही रेलवे की जो रिक्वायरमेंट हैं जो रुके हुए हैं वो भी 7वां फेज जल्द ही होने वाला है। आगामी जो जितनी भी परीक्षाएं हैं वो भी जल्द से जल्द चालू होगी आने वाले महीनों में, चाहे वो SBI की हो और BSSC की टाइपिंग जो परीक्षाएं हैं वो भी होने वाली हैं। अप्रोक्स 45 से 50 हज़ार कैंडिडेट जो है पास किए हैं मेंस में, तो उनकी अगर टाइपिंग में जितने कैंडिडेट हैं उनकी टाइपिंग ली जाएगी जल्द ही। आफ्टर टाइपिंग उनकी जो भी प्रोसेस होगी नेक्स्ट होगी हिंदी और इंग्लिश में उनकी भी टाइपिंग होगी। हिंदी में वही 20 से 25 और इंग्लिश में वही 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट। तो यह सारे अपडेट अभी बने हुए हैं, अभी 8 जून तक है लॉकडाउन, में भी एक्सटेंड हो सकता है जो भी है, सभी चीज़ें अब खुल रही है या इसको ख़त्म कर दिया सकता है। तो अब तक यही सारे अपडेट हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। और यही सारी अपडेट दी जो कि आपको दिया गया, चाहे वो सीतामढ़ी से हो, नालंदा से हो, बक्सर से हो, विभिन्न सारे। तो यदि सीतामढ़ी आप जाने की सोच रहे हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर गौर करें, इससे ज़रूर अवगत हों आज के पेपर्स की कटआउट्स हैं और डिप, नहीं तो आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। इस बात को इसलिए कहते हैं अपडेट बनाए रखें रेगुलरली, अपडेट हर जगह जहाँ से आपको सूचनाएं मिल रही हैं जिस जगह जा रहे हैं उसके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि वह हर छात्र छात्राएं अवगत हों और उनके लिए हेल्पफुल हो।
कोई भी क्यूरी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।